फ्रेंड्स, कल अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया था, जिसका अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का सामान्य परिचय, उसके बाद में पहले चैप्टर का आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, फिर विद्युत स्थिर विद्युत की का मूलभूत सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज अपन उससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज अपने टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, अंग्रेजी में तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह आज का आपका टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निकल जा थोड़ा तो उसके आगे का पहला पॉइंट। अब देखो, विद्युत आवेश के बारे में अपने कल पढ़ा था कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसको अनुभव करता है। आज अपन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ जो है वो अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। जितने पदार्थ हैं वो अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और अपन जानते हैं कि परमाणु जो है उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ नाभिक के चारों ओर यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये तीन मुख्यतः तीन कण होते हैं इसमें पदार्थ के परमाणु में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी उसका धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपन सभी जानते हैं। अब देखो, जो किसी पदार्थ परमाणु है उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या समान होने के कारण जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इसका मतलब यह हो गया कि परमाणु जो है वो उदासीन, परमाणु उदासीन हो गया तो इसका मतलब है पदार्थ भी क्या हो गया, उदासीन हो गया। ये सामान्य सी चीज अपन सभी जानते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पदार्थ जो है वो अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और सभी परमाणुओं में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु से क्या बनता है, पदार्थ बनता है, इसलिए पदार्थ में सामान्यता क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब अपन किसी पदार्थ से, अगर अपन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का अगर हम त्याग कर दें, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाए तो पदार्थ जो है वो धनावेश हो जाएगा। जो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने से क्या होगा, धनावेश उत्पन्न होता है। तो अपन पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे तो पदार्थ वो धनावेश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉनों का अगर ग्रहण हो जाए पदार्थ के द्वारा, तो वो धनावेश हो जाता है, तो वो इनावेश हो जाएगा। पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो धनावेश होता है, पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो ऋणावेश होता है।
लेकिन सामान्यतः जब पदार्थ सामान्य रूप में पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि पदार्थ परमाणु से पड़ता है, परमाणु से प्रोटोन अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, विपरीत प्रकृति के कारण होता है, इसलिए सामान्य पदार्थ उदासीन होते हैं। लेकिन अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो पदार्थ अनावेशित हो जाएगा, और अगर जिस पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि यहाँ से एक बात निकल जाएगी, जब पदार्थ अनावेशित हो या ऋणावेशित हो, दोनों का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित होता है। यानी विद्युत आवेश का जो कारण है, विद्युत आवेश उत्पन्न होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। यहाँ से कोई चीज निकल गई कि प्रोटोन है, प्रोटोन के कारण धनावेश नहीं आता है, धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो उसका कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटोन का धनावेश नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखना है। और इसी को अपन विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत विद्युत आवेश का जो सार में कहूं तो मतलब ये हुआ कि जो ये पदार्थ है वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, धनावेशित हो गया, ऋणावेशित होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, प्रोटॉन के कारण कभी भी आवेश नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन पदार्थ के नाभिक में होता है और नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता है। इस कथन को ही अपन विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। आगे चलते हैं, ये विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में था, एक बार अपन दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। फर्स्ट थिंग, देखो पदार्थ है वो अन्य परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और किसी भी पदार्थ के परमाणु में प्रोटॉन होता उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, इस चीज को अपन इलेक्ट्रॉन आवेश के विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर इस टॉपिक से आपको एक बात क्लियर हुई कि विद्युत आवेश है कुछ आप विद्युत आवेश का क्या कारण, तो आपको उत्तर लिखना है इलेक्ट्रॉन का आवेशन। ये अपन बताते हैं विद्युत आवेशन का, अगर आपको कारण पूछे विद्युत आवेशन का कारण, विद्युत आवेशन का क्या कारण है, तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यहां से एक बात निकल के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि इस टॉपिक के एक प्रश्न निकल के है विद्युत आवेशन का क्या कारण, विद्युत आवेशन का है इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। सामान्य बच्चे सोचते हैं धनावेश प्रोटॉन बनाता है, ऐसा नहीं होता है, धनावेश होता है ऋणावेश होता है, कारण के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत आवेशन के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से, विद्युत आवेशन के सिद्धांत से ये बात निकल के आ रही है कि विद्युत आवेशन का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, यानी कि इस टॉपिक की मेन पॉइंट ये निकल के आई है। आगे चलते हैं, अब हम अपन विद्युत आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेशन कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं विद्युत आवेशन करने के, तो देखना अपन विद्युत आवेशन की विधियों का अध्ययन करते हैं। विद्युत आवेशन की विधियां, विद्युत आवेशन की विधियां, यानी विद्युत आवेशन है वो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो जानिए तो तीन तरीके हैं विद्युत आवेशन के। नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन, पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर दो है
चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेम द्वारा आवेशन। ये विद्युत आवेशन की तीन विधियां हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीन विधियां हैं, इन तीन विधियों के द्वारा अपन आवेशन कर सकते हैं। अब देखो इन तीनों अपन मन भाई मन पढ़ेंगे। विद्युत आवेशन तीन विधियां हैं, किन्तु आपको ध्यान रखना है विद्युत आवेशन तीन विधियां, पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन स्पर्श द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इन तीनों विधियों का अध्ययन करने से पहले अपन एक थोड़ा सा पूर्व पढ़ लेते हैं। देखो तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, आवेशन की इन विधियों को। इससे पहले अपन थोड़ा सा पदार्थ का परिचय कर लेते हैं। देखो पदार्थों को संबंध अपन तीन बातों को पढ़ते हैं, एक होता है चालन, दूसरा होता है उच्चालन जिसको अपन विद्युत रोधी भी बोल देते हैं, विद्युत रोधी। तो तीन प्रकार के पदार्थों के बारे में बताऊं घर्षण की विधि पढ़ने से पहले, थोड़ा इसका परिचय बांध दिए। और तीसरा है चालक हो गया, उच्चालक हो गया, और तीसरा है परावैद्युत पदार्थ। ये तीन पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड कर दिए हैं, चालक, उच्चालक जिसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं, और परावैद्युत पदार्थ। देखो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते हैं, सब पढ़ा भी होगा हमने छोटी क्लासों में। देखो चालक, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है, आसानी से। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो तो हो गए चालक। दूसरा देखो कुचालक, कुचालक ऐसे होते हैं जिनका आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं, जिनका आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो कुचालक या विद्युत रोधी होते हैं। दूसरा मतलब जो आवेश का प्रवाह होता है वो क्या हो गए चालक, जिनका आवेश का प्रवाह नहीं होता वो हो गए कुचालक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी धातु हैं वो सभी चालक होती हैं, पृथ्वी है वो भी चालक होता है, अपन मानव जो शरीर है, मानव एवं जीव जंतु जो है वो भी क्या है पृथ्वी हो गए, धातु हो गया पृथ्वी और मानव एवं जीव जंतु है वो चालक हो गए। इसके अलावा अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण, ये सभी चालक होते हैं। धातु से भी धातु है वो चालक हो गई, पृथ्वी हो गई, मानव शरीर हो गया, जीव जंतु हो गए, अम्ल क्षार लवण आदि आदि ये सभी क्या है चालक हो गए। इसी प्रकार कुचालक जो होते हैं, कुचालक के जैसे एग्जाम्पल बनते हैं लकड़ी हो गई, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि, ये क्या हो गए ये कुचालक हो गए। अब देखो धातु की अपन बात करें तो धातु में जैसे धातु में सबसे अधिक चालक होती है चांदी, चांदी के बाद में होता है कॉपर, कॉपर के बाद में होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में होता है टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में होता है लोहा। इस प्रकार से ये धातु की चालकता का सबसे अधिक चालक होती है चांदी, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और लोहा। तो इसी के ऊपर अपन जैसे चांदी में भी होती है कॉपर है, तो जो भी वायर होते हैं चालक वो समान कॉपर के बने होते हैं। अब रही बात ये चीज अपन पढ़ी चालक क्वेश्चन देखिए, अब देखो परावैद्युत ये इंपॉर्टेंट चीज है, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ ये तो अपन छोटी क्लास में पढ़ेंगे चालक क्वेश्चन देखिए होता है परावैद्युत पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से देखो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो जो परावैद्युत पदार्थ है वो एक कुचालक पदार्थ ही होते हैं, परावैद्युत पदार्थ है वे कुचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन ऐसे कुचालक पदार्थ अगर इन कुचालक पदार्थों पर क्या लगाएं विद्युत क्षेत्र लगाएं, विद्युत क्षेत्र इन पर अपन आरोपित करें, अगर कुचालक कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करें
तो विद्युत का आवेश करने से उनमें अगर प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं, प्रेरित आवेश उत्पन्न अगर हो जाए तो ऐसे उच्चारण पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। दोबारा देखना कि परावैद्युत क्या होते हैं, ऐसे उच्चारण पदार्थ होते हैं जिन पर अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, जिन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो उनमें क्या हो जाए, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे उच्चारण पदार्थों को अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इस तीनों खंडों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज परावैद्युत पदार्थ है, इसका आपको ध्यान रखना। ये सामान्य सीधे जो अपन पहले पढ़ चुके होते छोटी क्लासों में भी, दोबारा देखना। परावैद्युत उच्चारण पदार्थ होते हैं, देखिए सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ उच्चारण होते हैं जिन पर अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें तो वो प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं। ऐसे उच्चारण पदार्थों को अपन परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर इनके अपन देखें, एग्जाम्पल जैसे हवा, हवा एक परावैद्युत पदार्थ होता है। अभ्रक, अभ्रक उच्चालक तेल, उच्चालक तेल आदि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर विद्युत क्षेत्र में रखें अपन तो इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये हवा, अभ्रक और उच्चालक तेल जो है वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपन ये पदार्थों का वर्गीकरण किया, उच्चालक, उच्चालक और परावैद्युत। आगे चलते हैं, आप देखो ये पढ़ने का काम आवेशन जो विद्या होती है उसका वन वन में वन अध्ययन करते हैं। पहला अपना है घर्षण द्वारा आवेशन, अब ये अपन बताया था घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की पहली विधि का अपन अध्ययन कर रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, दो वस्तुएं होती हैं जब आपस में अपन रगड़ते हैं तो रगड़ने से वहां जो विद्युत उत्पन्न होता है, दो वस्तुओं को रगड़े अगर दो वस्तुओं आपस में रगड़ा तो उनमें जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो विद्युत उत्पन्न होता है उस विद्युत को अपन घर्षण विद्युत बोलते हैं, घर्षण विद्युत, क्योंकि वो रगड़ने से उत्पन्न हुआ, घर्षण से उत्पन्न हुआ इसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होगा यानी जो आवेश उत्पन्न होगा उस विद्युत या आवेश को अपन बोलते हैं घर्षण विद्युत। अब ये घर्षण विद्युत उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, इस उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में एक वस्तु पर धनावेश आएगा, एक वस्तु पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, यानी दोनों वस्तु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। इस विधि को या इस प्रक्रिया को अपन घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। जैसे अपन दो वस्तुओं को रगड़ा, ध्यान रखना दो वस्तुओं को अपन रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब जिस वस्तु को चार्ज ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, यानी एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और दूसरी वस्तु है जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। तो घर्षण द्वारा विधि में ध्यान रखना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, इसी का घर्षण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु धनावेश, दूसरी वस्तु ऋणावेश उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो वस्तुओं को आपस में लगाते हैं तो वहां जो विद्युत उत्पन्न होता है उस विद्युत को घर्षण द्वारा या विद्युत घर्षण विद्युत बोलते हैं। इस प्रक्रिया को अपन घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो धनावेश होगी और दूसरे वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेश हो जाएगी। अब क्या इलेक्ट्रॉन त्याग वो करेगी जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे होते हैं और
जिसका नाभिक प्रबल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो दोनों में से ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉनों में एक त्यागते हैं। इस प्रक्रिया को अपन गठन द्वारा आवेशन बोलते हैं। और यहाँ सदैव सदैव विद्युत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि एक वस्तु द्रव्यमान से दूसरी वस्तु ऋणावेशित होती है, इसलिए यहाँ विद्युत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अब तो इसके अपने एग्जाम्पल देखते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन के कुछ उदाहरण देखो। देखो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं घर्षण द्वारा, पहला एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक कांच की छड़, कांच की छड़ है अपने पास, एक वस्तु अपने कांच छड़ होगी और दूसरी वस्तु अपने पास है रेशम का कपड़ा। ये दो वस्तु हैं, एक कांच की छड़ है एक रेशम कपड़ा है। रगड़ने से पहले दोनों उदासीन है, इन दोनों वस्तुओं का आपस में अपने रगड़ा, दोनों वस्तुओं का आपस में अपने रगड़ा, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, और रगड़ने के बाद दोनों को अपने अलग अलग कर दिया। दोनों को पहले आपस में रगड़ा, रगड़े अलग अलग कर दिया, तो अपन देखेंगे कि जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ वो होगी धनावेशित, और रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का जो कपड़ा है वो हो गया नेगेटिव धनावेशित। पहले दोनों उदासीन थे, यहाँ पर जीरो आवेश था, यहाँ पर भी जीरो आवेश था। दोनों को अपन ने रगड़ा, रगड़ने के बाद दोनों को अलग किया, अलग करने पर अपन देखा कि कांच छड़ का धनावेश होगी और रेशम का ऋणावेश होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दोनों को रगड़ा तो कांच छड़ के इलेक्ट्रॉन है, कांच छड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, क्या करती है, तो कांच छड़ के इलेक्ट्रॉन है और रेशम कपड़े पर स्थानांतरित हो गया, यानी रेशम कपड़े को ग्रहण कर लिया, ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लिया। तो रगड़ने के बाद कांच छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते से धनावेश होगी और रेशम कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते से क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये अपन घर्षण द्वारा आवेशन का एक एग्जांपल बताया है। दोबारा देखो, कांच की छड़ रेशम कपड़ा पर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते से वो धनावेश हो जाती है और रेशम कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते से वो ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, इसका देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर दो, देखो एक आपके पास है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, इस बिल्ली की खाल को अपन एबोनाइट जो कि एक लोचदार पदार्थ होता है, एबोनाइट की छड़ से रगड़ा। यहाँ हमारे पास बिल्ली खाल है, ये एबोनाइट छड़, एबोनाइट छड़ एक लोचदार पदार्थ होता है, दोनों को अपन ने रगड़ा और रगड़ने के बाद में दोनों को अपन ने अलग अलग कर दी। अलग करने पर बिल्ली की खाल, बिल्ली की जो खाल है दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, इसलिए ये होगी पॉजिटिव धनावेशित। और एबोनाइट जो है, एबोनाइट की जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इसलिए ये होगी नेगेटिव। तो दोबारा दूसरा एग्जांपल बताया कि बिल्ली खाल को जब एबोनाइट छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली खाल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एबोनाइट छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ नेगेटिव हो जाती है। ये घर्षण द्वारा आवेशन का सेकंड एग्जांपल है। अब देखो अपने टेबल के द्वारा समझते हैं कि जब दो वस्तु रगड़ते हैं, आपको कौन सा, एक वस्तु धनावेश होगी और दूसरी वस्तु ऋणावेश होगी। अब दोनों में से कौन से धनावेश होगी, कौन से ऋणावेश होगी, यह अपने टेबल के द्वारा समझा रहे हैं। वैसे इसका कारण यह है कि जिस पदार्थ के परमाणु के नाभिक जो है, जो दुर्बल इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी, और जिसके इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी। अब देखो अपन एक टेबल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल में मैंने बताया अपन जो वस्तु धनावेश है उसके बारे में लिखेंगे, ये धनावेश वस्तु के बारे में, और ये
इधर ऋणा से, ये ऋणा से वस्तु के बारे में। जैसे पहला एग्जाम्पल आपने बताया था कांच की छड़, कांच की छड़ का प्रयोग करते हैं, कांच की छड़ का प्रयोग करते हैं रेशम के कपड़े से, और तो पढ़ा तरीके से कि जब कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो बदमाश होती है और रेशम कपड़े का क्या ऋण आवेश। तो ये तो हो गया पहला जो ये पढ़ा था। दूसरा भी पढ़ा अपने बिल्ली की खाल, ये बिल्ली की खाल है, इसको अपन ने एक वोलाइट की छड़ से रगड़ा, या आप इसको प्लास्टिक की छड़ से भी रगड़ सकते हो, प्लास्टिक की छड़ से भी रगड़ सकते हो। तो जब बिल्ली खाल को एवोनाइट और प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो इन दो इन पर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। इसको अभी अपन डिटेल से पढ़ा, आगे दो एग्जांपल को देख लेते हैं। देखो अगर अपन सूखे बाल हैं, सूखे बालों को अपन कंघे से रगड़ेंगे, अपन कंघे लेंगे, ये अपने शरीर के सूखे बाल हैं, सूखे बालों को अगर अपन कंघे से रगड़ें तो सूखे बाल हैं वो धनावेशित होंगे, क्या होंगे धनावेशित, और कंघा जो है वो ऋणावेशित होगा। तो ये ध्यान रखना है सूखे बालों को रगड़ने में आपके जब कंघे से सूखे बाल रगड़ते हैं तो कंघा जो है सूखे बालों के क्या होता है दोनों का आकर्षित करता है। तो उसका ये है कि जब सूखे बाल को रगड़ते हैं सूखे बाल के इलेक्ट्रॉन है, सूखे बाल के इलेक्ट्रॉन वो कंघे पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए कंघा धनावेशित और सॉरी सूखे बाल धनावेशित और कंघा ऋणावेशित हो जाता है। तो इस टेबल पर आपको पता लग सकता है कि कौन सी वस्तु धनावेशित होती है, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने तीन एक ही एग्जांपल हो गए, कांच की छड़ अगर रगड़ेंगे तो वो धनावेश होगी, रेशम कपड़े से वो ऋणावेश हो गया, बिल्ली की खाल को अगर अपन इन दोनों में से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल जो है वो धनावेश होगी, और इन दोनों में से कोई भी जो होगा वो ऋणावेश होगा। अगर सूखे बालों को अपन रगड़ेंगे कंघे से तो सूखे बाल जो है वो धनावेश होंगे और कंघा क्या होगा ऋणावेश होगा। धनावेश वो चीज होगी जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी, और ऋणावेश वो चीज होगी जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। तो यह अपने घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि आवेशन की पहली विधि का अध्ययन किया है। बाकी दो विधि और हैं जो अभी बताए हैं, चालन द्वारा आवेशन और स्पर्श प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।